आज हम लोग यौन संबंध यानी सेक्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, दुनिया के हर एक जीव इसमें भाग लेते हैं और हर एक जीवों का साल में एक तय समय सीमा होता है, उसी दौरान वो लोग सेक्स करते हैं। लेकिन मनुष्य का थोड़ा अलग है। मनुष्य साल भर में कभी भी सेक्स कर सकते हैं और सेक्स करने का कई सारा फायदा होते हैं। शारीरिक लाभ के साथ साथ मानसिक लाभ भी मिलता है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे, सेक्स करने के बाद आदमी कुछ गलती कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमी इस्लाम और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। नंबर एक, यौन संबंध बनाने के बाद पेशाब ना करना। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप यौन संबंध बनाए उसके एक घंटा के अंदर आप पेशाब कर ले। अगर आप पेशाब नहीं करते हैं तो एक दूसरे के यौनांग पर कई तरह का बैक्टीरिया और जीवाणु हो सकते हैं। इसके लिए आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी होते हैं। इसीलिए सेक्स करने के बाद आपको पेशाब जरूर करना चाहिए। नंबर दो, यौन संबंध बनाने के बाद अपने प्राइवेट पार्ट को कोई भी हार्ड केमिकल या खारा चीज़ से ना धोए, खासकर महिलाएं, क्योंकि महिलाओं का जो यौनांग होते हैं वो सेक्स के बाद और भी ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप उसको कोई भी खारा चीज़ से धोएंगे तो उसको नुकसान पहुँच सकती है। इसीलिए आप यौन संबंध बनाने के बाद आप गर्म पानी से इसको धो सकते हैं, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। नंबर तीन, यौन संबंध बनाने के बाद अपना हाथ ना धोना। दोस्तों, आदमी जब सेक्स करते हैं तो उसके दौरान खो जाते हैं, तो हाथ उसका कोई भी प्राइवेट पार्ट के ऊपर जा सकता है, जिससे कई कीटाणु और बैक्टीरिया हाथ में आ जाते हैं। अगर उसी हाथ से अगर आप अपने फेस में हाथ देंगे या नाक मुंह में हाथ देंगे तो उससे आपका इन्फेक्शन होता है और कई ऐसे बीमारी होते हैं जिससे आप घिरने लगते हैं। इसीलिए आप जब भी यौन संबंध बनाए अपने हाथ को अच्छे से धो ले। नंबर चार, यौन संबंध बनाने के बाद टाइट कपड़ा पहनकर सोना। दोस्तों, आदमी जब भी सेक्स करते हैं तो उसी दौरान आदमी का हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन हाई होने के कारण पसीना देता रहता है। सिर्फ उसी समय नहीं बल्कि सेक्स के बाद भी आदमी को पसीना देने के कारण अगर आप टाइट कपड़ा पहन के सोते हैं तो आपका प्राइवेट पार्ट जो है उसमें पसीना जमता है और बैक्टीरिया कीटाणु आ जाता है, जिसके कारण इन्फेक्शन हो सकता है, खुजली हो सकता है और कई तरह का एलर्जी भी हो सकता है। इसीलिए आप हल्का फुल्का कपड़ा पहनकर ही सोए। नंबर पाँच, यौन संबंध बनाने के बाद वेट वाइप्स का इस्तेमाल ना करें। आजकल बाज़ार में कई तरह का वेट वाइप्स मिल जाता है जो रेडीमेड होता है कोई भी अपना अंग को क्लीन करने के लिए। लेकिन अगर आप यौन संबंध बनाने के बाद उसको इस्तेमाल करेंगे प्राइवेट पार्ट को क्लीन करने के लिए तो उसमें खतरनाक केमिकल होते हैं, जिसकी वजह से आपका प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुँचाता है, खासकर स्किन को, और उसमें फ्रेग्रेंस ऐसे होते हैं जिसमें भी केमिकल होते हैं। इसीलिए आप वेट वाइप का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें और कोई भी आप क्लीन कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे बेहतर होता है अगर आप गर्म पानी से धो लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।